नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम है आप सभी लोगों का। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। फ्री ऑनलाइन क्लासेस बाय गुड़िया केसी के चैनल में मैं गुड़िया केसी एक बार फिर से तहे दिल से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ, आप सभी लोगों का अभिनंदन करती हूँ। आप लोग कैसे हैं? आई होप सब लोग अच्छे होंगे और सबकी दीपावली बहुत मस्त बीती होगी, है ना। सबने पटाखे पटकाए होंगे, खुशियाँ भी मनाई होंगी और पूजा पाठ भी अच्छे से किया होगा, है ना। तो दीपावली तो खत्म हो चुकी, दीपावली तो जा रही है, अब तो छठ पूजा आने वाली है ना, तो उसकी भी तैयारी में बहुत लोग लग गए होंगे। अच्छी बात है, त्यौहार है और ज़िंदगी हमारी त्यौहारों के बीच ही गुजरती है, उसी में तो हमारी खुशियाँ उसियाँ पता चलता है ना। इंसान चाहे जितना भी बिजी हो पर त्यौहार पर सब एक साथ होते हैं, सब एक साथ होकर पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, अच्छा लगता है। तो लाइफ में अकेले के साथ साथ हमेशा दूसरों के साथ भी रहना चाहिए, सबको टाइम देना चाहिए, हर एक चीज़ के लिए दिन भर मोबाइल में नहीं घुसाना चाहिए, है ना। तो चलो क्लास को कंटिन्यूस करते हैं। आज जो हम मैथ में पढ़ने वाले हैं, रोमन नंबर को कंटिन्यूस करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास मैथ की जो है, रोमन नंबर हम पढ़ रहे थे। ज़्यादा लंबा क्लास नहीं लूँगी गाइस, सबको पता है मैं ज़्यादा लंबा नहीं लेती हूँ और ज़्यादा मैं बोरिंग भी नहीं लेती हूँ, आपको बहुत अच्छे से पता है। मैं बच्चों को बोर करने वाला काम नहीं करती हूँ। थोड़ा पढ़ो, क्लियर पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, दिल लगा के पढ़ो, ठीक है। हाँ, तो आज मैथ की क्लास में हम पढ़ रहे थे रोमन नंबर और हमने सीख लिया है कहाँ तक, 800 तक, ठीक है। 800 तक का रोमन नंबर हमने फाइनल कर लिया है, ठीक है। अब मैं एक पहेली बुझाने जा रही हूँ आपको, पहेली का आपका आंसर देना है। क्या है पहेली का आंसर? चलने से चलने को चलता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन है आपका पहेली का, चलने को चलता हूँ, गर्मी में सुख पहुंचाता हूँ, ठंड में नहीं गर्मी में, ठीक है। गर्मी में सुख पहुंचाता हूँ, ठीक है। चलने को चलता हूँ, गर्मी में सुख पहुंचाता हूँ, पैर भी है मेरे तीन। सबके दो पैर होते हैं लेकिन इसके तीन पैर होते हैं। पैर है मेरे तीन, ठीक है। ये एक ऐसा चीज़ है जिसके पैर कितने हैं? तीन हैं, मगर आगे बढ़ नहीं पाता हूँ। तीन पैर है पर फिर भी आगे नहीं बढ़ पाता हूँ, ठीक है। चलने को चलता हूँ, गर्मी में सुख पहुँचाता हूँ, पैर है मेरे तीन आगे, मगर आगे बढ़ने को बढ़ नहीं पाता हूँ। क्या चीज़ है? सोचना समझना, पहली मज़ेदार है, थोड़ी देर के लिए हट जा रही हूँ मैं ताकि आप ध्यान से पहेली को पढ़ सको। चलने को चलता हूँ, गर्मी में सुख पहुँचाता हूँ, पैर है मेरे तीन, मगर आगे नहीं बढ़ पाता हूँ, ठीक है। अब इसका आंसर क्या होगा ये तो आप बताओगे, ठीक है, वरना नहीं बताओगे कोई बात नहीं, डरो नहीं, मैं हूँ ना, ठीक है। इसका आंसर मैं लास्ट में बताऊंगी, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्लास को कंटिन्यूस करते हैं। हमने 800 तक का रोमन नंबर सीख लिया, ठीक है। आज हम 1000 तक के रोमन नंबर को फाइनल करेंगे, ठीक है। आज जो रोमन नंबर रहेगा, ठीक, चलो कहाँ से कहाँ तक रहेगा? 800 से लेके 1000 तक के, ठीक है। सबसे पहले एक बार डिवीजन करते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक। जैसे मान लो दिया हुआ है, अब ये नंबर लिखा हुआ है यानी 800 के पहले का नंबर है ये, इनका रोमन नंबर पहले देख लेते हैं, ठीक है। एक बार डिवीजन करते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, न समझ में आता हो तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैंने इसके पहले करवा रखा है, एक बार डिवीजन करते हुए 100, इसका मतलब होता है 100
प्लस 20 और प्लस 7, आपको पता है 100 का सी होता है, 20 का दो बार एक्स होता है और 7 का होता है वी और दो बार आई। तो इसका आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर बनेगा सी, दो बार एक्स, वी और डबल आई। क्लियर है? ठीक है, क्लियर है। आगे देखो, 725 का मतलब क्या हुआ? 500 प्लस 200 प्लस 20 प्लस 5। ठीक है, अब 500 का क्या है? 500 का आपको पता है डी है, 200 का क्या है? डबल सी है, 20 का क्या है? दो बार एक्स है और 5 का क्या है? 5 का वी है। ठीक, ये है। अब इसे कैसे लिखेंगे? डी, दो बार सी, दो बार एक्स और वी। ठीक, ये देखो, इसका होगा 500 प्लस 40 प्लस 8। 500 का होता है डी, 40 का क्या होगा? 40 का होगा एक्स एल, 8 का होगा वी, 1 2 3। ठीक है, ये है। क्लियर है? आगे देखो, 832, 800 का क्या होता है? वो पता है, 800 का होता है 500 प्लस 300, 500 300 कितना होगा? 800, 800 प्लस 30 प्लस 20। ठीक है, 500 का होगा डी, 300 का होगा तीन बार सी, और 300 ऊपर नहीं होता। अभी इसका जो रूल्स रेगुलेशन है वो लिखवाऊंगी मैं। 30 का होता है तीन बार एक्स और 2 का होता है आई। तो इसका आंसर तो डायरेक्ट बनेगा डी, दो बार सी, तीन बार एक्स और डबल आई। ठीक, आगे देखो, 275, 275 मतलब पहले 200 प्लस 70 और प्लस 5। 200 का होता है दो बार सी, 70 का होता है एल और दो बार एक्स और 5 का होता है वी। ठीक, क्या हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा दो बार सी, ठीक, एल, दो बार एक्स और वी। क्लियर है? अब देखो, 300 का, 300 का होता है तीन बार सी, 90 का होता है एक्स और सी और 6 का होता है वी आई। ठीक, 672, 600 का होता है डी सी, डी सी का क्या हो गया 600 और 72 का होगा 70, 70 का होगा एल और दो बार एक्स और 2 का होगा आई। क्लियर है? अब देखो, 400 का, 400 का होता है डी और डी के आगे सी, आगे सी लगता है तो वो माइनस हो जाता है ना। 500 में से 100 गया, 400 बचा 90, 90 का होगा एक्स सी और 6 का होगा वी। क्लियर है? तो ये रहा आपका, ठीक, ये रहा आपका। अब बढ़ेंगे आगे, ठीक, चलिए अब बढ़ेंगे 800 से 1000 तक का। आठ सौ दस यानी 820, 830, 840 और 850। क्लियर है? 860, 870, 880, 890 और हो गया 900। ठीक है, 800 का क्या होता है डी और तीन बार सी, ठीक है, मतलब 500, 600, 700, 800, 10 का क्या होता है एक्स। ठीक है, आगे डी, तीन बार सी और दो बार एक्स, डी, तीन बार सी और तीन बार एक्स, क्योंकि 30 का वही होता है। ठीक है, आगे डी सी एक्स एल, डी सॉरी तीन बार सी है, रियली सॉरी, एक्स एल, डी तीन बार सी एल, डी सी एल एक्स, डी सी एल दो बार एक्स, डी सी एल तीन बार एक्स, डी
नहीं डी नहीं, 1,000 का सबसे पहले ये पता करना होगा 1,000 का होता क्या है। तो एक नहीं, 900, 900 का होता है, 1,000 का होता है आपका एम। ठीक है, पहले इसका सीख लेते हैं, डी 3 बार सी, और 90 का होता है एक्स सी। ठीक है, 900 का होगा एम, मतलब होता है 1,000, याद रखना एम। कुछ लोग क्या करते हैं, लिखा होता है 1,000 ना, तो उसका लिख देते हैं 1,000 का डी डी, मतलब 500, 500। भैया ये गलत है, ये नहीं सही है। ठीक है, अभी जब रूल्स लिखवाऊंगी तब बताऊंगी। एम जो होता है 1,000 का होता है, और 1,000 में से कितना हम माइनस कर ले कि आपका 900 होगा। हाँ, तो होगा एम, एम मतलब सी माइनस कर दो हो जाएगा सी एम। क्लियर है, 900 का क्या होता है सी एम, सी एम बराबर क्या होता है 900। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब 900 से देखो 1,000 तक की बात है। ठीक, नौ सौ दस, 920, 930, 940, 950, 960, 970, 980, 990 और पूरे 1,000। 910 की बात की जाए तो आपको पता है सी एम क्या हो गया, 900 का सी मतलब 100, और मतलब 1,000, 100 में से 1,000 में से 100 चला गया 900, 10 का होता है एक्स, फिर सी एम 2 बार एक्स, सी एम 3 बार एक्स, सी एम एक्स एल, सी एम एल, सी एम एल एक्स, सी एम एल 2 बार एक्स, सी एम एल 3 बार एक्स। क्लियर है, 90 का क्या होगा, सी एम 90 का होता है एक्स सी, और 1,000 का होगा डायरेक्ट एम। क्लियर है, ठीक है। तो ये रहा 1,000 तक के रोमन नंबर। अब हम आगे सीखेंगे 5,000 तक के रोमन नंबर। ठीक है, हम सीखेंगे 5,000 तक के रोमन नंबर। ओके, और फिर इसके बाद 10,000 से लेके हम फिर सीखेंगे, 1,000 से स्टार्टिंग करेंगे और 10 लाख तक के रोमन नंबर सीखेंगे। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी, क्लियर बताऊंगी, 1 मिलियन। ठीक है, 1 मिलियन तक के हम क्या सीखेंगे, रोमन नंबर। ठीक, अच्छा मैंने भी एक पहेली पूछी थी, मैंने एक पहेली पूछी थी कि चलने को चलता हूँ, गर्मी में सुख पहुँचाता हूँ, पैर भी है मेरे मगर, पैर है मेरे 3 मगर फिर भी मैं बढ़ नहीं पा, तो इसका आंसर क्या होगा, है ना। बहुत सारे बच्चों के मन में ये पहेली का आंसर सोच रखा होगा। अब आप देख लो इस पहेली का आंसर जो मैं दे रही हूँ। ठीक है, इस पहेली का जो मैं आंसर दे रही हूँ, क्या आपका आंसर वो सही है या गलत है। ठीक है, आपके मन में पहेली तो आ ही चुकी होगी। ठीक है, तो पहेली का आंसर जो है वो है पंखा। ठीक है, पंखा इसे इंग्लिश में लिख सकते हैं फैन। ठीक है, मतलब चलने को तो चलता है, सही बात है, ऑन करते हैं तो चलता है, और गर्मी में ही सुख पहुंचाता है। ठंड में कोई पंखा चला के बैठता है, बिल्कुल नहीं, ठंड में तो खुद ऑलरेडी ठंड लगती है, तो पंखा कौन चलाएगा, वहाँ तो गर्मी की जरूरत पड़ती है ना। तो ये क्या करता है, गर्मी में सुख पहुँचाता है, गर्मी में अच्छा लगता है, पंखा न चले तो गर्मी लगती है। इसके 3 पैर होते हैं पंखे को, देख लो ज़्यादातर जितने भी पंखे हैं उसके 3 पंख ही हैं, 3 पैर हैं, मगर ये चलता तो है मगर ये बढ़ नहीं पाता, यानी कहने का मतलब ये है ये एक जगह के एक ही जगह रहता है, ये चलता नहीं है कि आज यहाँ है तो कल वहाँ पर हवा देगा, परसों वहाँ पर, नरसों वहाँ पर, फिर से करके सबको देगा, नहीं, वो एक ही जगह पड़ेगा, जिससे पंखे हवा की जरूरत है वो खुद उसके नीचे आके बैठेगा, ये नहीं पंखा आपके पास खुद जाएगा और आपको हवा देगा। ठीक, तो ये है पहेली का आंसर। आई होप आप सभी लोगों को मेरी पहेली बहुत अच्छी लग रही होगी, क्लास भी अच्छी लग रही होगी, तो आप लोग का काम है प्लीज़ 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 क्लास को लाइक ज़रूर कर दिया करो, इतनी मेहनत के लिए एक थम्सअप तो बनता ही है, और दूसरी बात लाइक किया करो, शेयर किया करो,
और कमेंट क्या करो, क्या क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी तो नाइस क्लास, इंटरेस्टिंग क्लास, आसम, कुछ भी अच्छा सा, कुछ अच्छा सा, क्योंकि तो आपके कमेंट करने से ना मुझे बड़ी खुशी होती है कि मेरा पढ़ाना सार्थक है, मेरा पढ़ाना अच्छा है कि मैं पढ़ा रही हूँ, लोगों को समझ में आ रहा है, घर में बच्चे होंगे, परिवार होंगे, इंडिया में जाने कितने सारे लोग होंगे जिनको हिंदी टू इंग्लिश आती है, इंग्लिश टू हिंदी नहीं आती, ठीक है मैथ नहीं आता, तो भाई मैथ की स्टार्टिंग हो चुकी है, अब धीरे धीरे हम हार्ट की तरफ सीखना चलेंगे, अभी मैं फ्रैक्शन स्टार्ट करूँगी, आपका प्रॉफिट लॉस स्टार्ट करूँगी, बहुत सारी चीज़ें, बहुत कुछ पढ़ेंगे हम, दसमलव वाले, डेसिमल वाले क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, क्या नाम है, डिवाइड वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे। अभी मैं तो आपको मैं चीज़ बताने भूल गई, मैं आपको अभी 100 तक के अंदर का टेबल बनाना सिखाऊंगी, बिल्कुल मैजिक से, मल्टीप्लाई उल्टीप्लाई कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल तरीके से सिखाऊंगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक क्लास को लाइक ज़रूर करना, शेयर भी, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना, अगर क्लास पे पहली बार हो तो। ओके, बाय बाय, सी यू।